बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो में जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्या है? सीजर एक पर्सन का नेम है जो कि अभी आपको डिटेल में मैं सारा उसका बताऊंगा। ये एक ऐसा पर्सन था जिसने अपना ये हमारे पास एक सिस्टम मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आगे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन। सीजर एक रोम का ये एक सियासतदान था एंड मिलिट्री जर्नल, और ये एक आर्मी का भी जर्नल था। हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर। इसने रोम को जो मतलब इसके दौर में बहुत ज्यादा रोम फैला और उस दौर में इसने बहुत ज्यादा उसके ग्रूमिंग के उसके बढ़ाव के अंदर बहुत ज्यादा इसने मदद इसका अहम किरदार है, मदद की इसने। सीजर यूज दिस मेथड ऑफ इनक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू हिज सोल्जर्स एंड जर्नल्स। ये अपने सोल्जर्स और जर्नल्स को ऐसे मैसेज एनक्रिप्ट करके मैसेज भेजा करता था। दिस इज अ रीजन फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज सीजर साइफर। यही वजह है कि इसको हम लोग सीजर साइफर के मेथड से जानते हैं। और इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन अ प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फाबेट। हम लोग एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट को रिप्लेस करते हैं। द रिप्लेसिंग अल्फाबेट इज सम फिक्स्ड नंबर ऑफ steps to the left or right of original alphabets in the sequence of alphabets। हम लोग एक sequence में alphabets को लिख लेते हैं और उसी को आगे फिर हम लोग लेके चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, a 3 character substitution to the right result of the following transformation of the standard English alphabets। तो अल्फ़ाबेट के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं 3 नंबर्स जो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने बोली है वो कैसे होगी। ये अभी आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, जो कि ये एक विंडो जो मैंने सामने ओपन की है। ये क्या है? यहाँ पर देखें ए बी सी डी, ये सारे अल्फ़ाबेट्स ए बी सी के हैं और नीचे मैंने कुछ रिप्लेस किया है। ए को आर से, बी को एस से। मीन्स ये आई थिंक 7 to 5 नंबर जो है ये बैक से जा रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं आपको कुछ और इसमें टेक्स्ट दिखाऊं वो कैसे लेके आएंगे हम लोग, तो ये अभी आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। मैंने कुछ ना पहले से टाइप किया हुआ है, तो वो टाइप किया हुआ ही अभी हमें जो है यहाँ पर हेल्पफुल बनेगा हमारे लिए। वो कैसे? ये अभी ये देखें ज़रा, ये प्लेन टेक्स्ट, ये मैंने एक प्लेन टेक्स्ट जो है आई को मैंने किसके इक्वल रख दिया? आई को ये जो सीजर साइफर जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला जो अल्फ़ाबेट्स थे इनको मैंने किया, ए को आर के इक्वल रखा। तो इसी तरह आई जो है वो जी के इक्वल आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो आई की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? जी लिख दिया। तो जो मेरे पास जी है वो आई के इक्वल आ रहा है। इसी तरह ए के इक्वल आर आ रहा है, तो ए के इक्वल नीचे आर। एम आई एम जो है उसका ए एम, ए की जगह आर और एम की जगह डी आ रहा है। उसके बाद फिर से ए की जगह आर आ रहा है, एल की जगह सी आ रहा है और आई की जगह अगेन जी आ रहा है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास जेड आर डी आर सी जी से ये कंप्लीट हो रही है। सीजर जो मेथड हमारे पास सीजर साइफर है, इसको अगर कोई आम अननोन पर्सन देखेगा तो मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग वो तो कहेगा ये पता नहीं क्या फजूल सा लिखा हुआ है, वो इसको नहीं समझेगा जब तक कि उसको इसकी कोई की ना मिल जाए। जब की मिलेगी तो उस की के अकॉर्डिंग जब वो इसको सॉल्व करेगा तो तब उसे जाके पता चलेगा ये तो आई एम अली लिखा हुआ है। तो ये अभी इसको हमने देखा सीजर के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है 3 लेटर्स, उसके बाद 5 कैरेक्टर्स, पहले यहाँ पर उन्होंने 3 कैरेक्टर्स दिए, मींस ए बी सी, सी तक छोड़ के आगे ए को डी के इक्वल रख दिया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाकिस्तान लिया, पी एस के इक्वल आ रहा है तो पी की जगह यहाँ पर उन्होंने जो इसका सीजर टैक्स जो साइफर टैक्स बना वो एस बन गया, फिर ए जो है वो डी के इक्वल आ रहा है, ए जो है वो हमारे पास एन के इक्वल आ रहा है, और आई जो है वो एल आई एल के इक्वल आ रहा है, उसके बाद एस जो है वो वी के इक्वल आ रहा है, और टी जो है वो डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ए जो है वो अगेन डी के इक्वल आ रहा है, क्यू जो है वो एन जो है वो क्यू के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास था 3 कैरेक्टर्स के बाद। अभी हम लोग आ रहे हैं 5 कैरेक्टर्स पे। तो 5 कैरेक्टर्स मीन ए बी सी डी ई तक छोड़ के आगे एफ ए इक्वल एफ के रख लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग पी जो है वो हमारे पास यू बन गया, और ए जो है वो हमारे पास एफ बन गया, के जो है वो पी बन गया, आई जो है वो एन बन गया, इसी तरह एस जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो गया, और टी जो है वो वाई में हम लोगों ने इनक्रिप्ट कर लिया, और ए जो है वो एफ में, एन जो है वो एस में। तो ये हमारे पास सीजर साइफर जो है, यहाँ तक अभी हम लोग जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जितना भी मतलब आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी यहाँ पे लिख लें, लिखने के बाद आप किसी भी शख्स को, पर्सन को ये चीज़ देंगे, उसको इसकी समझ उस टाइम तक नहीं आएगी जब तक उसको आप इसकी की नहीं देंगे। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।